सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज आप लोगों के इंग्लिश क्लास में हम देखने वाले हैं वर्ब के विषय में। आज हम पूरा वर्ब के विषय में पढ़ेंगे, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे इसको कहाँ यूज करते हैं और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने आप लोग के इंग्लिश में जितने टीचिंग मेथड्स हैं उनके विषय में पढ़ा दिया है, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के विषय में पूरा कम्प्लीटली पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव के विषय में पढ़ा दिया है। तो आज यहाँ पर जो हम देखेंगे वो वर्ब और वर्ब के प्रकार देखेंगे। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब आप सभी को पता है काम, काम मतलब हर एक व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। छोटे से बड़ा व्यक्ति सबके कोई ना कोई काम होते हैं, चाहे वो उठना बैठना, नहाना खाना पीना, कोई भी काम हो, हर चीज को करना होता है। जहां पर भी काम को करना होता है या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम करवाया जाता है तो वहां पर भी क्रिया ही होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हो कि ये व्यक्ति ये काम करता है, ये व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है, मोहन किसी कंपनी का चीफ है, इस तरीके से अगर हम बोल रहे हैं तो हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई ना कोई काम कर रहा है। तो कोई ना कोई काम करने का मतलब ही क्या होता है, क्रिया होती है। वे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में जो कुछ भी बताते हैं, किसी कार्य दशा का परिवर्तन का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताते हैं या किसी कार्य दशा या परिवर्तन का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस, मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, तो जाना क्या हुआ, क्रिया हुआ। आई गेव हर अ बुक, मैंने उसे अपनी बुक दिया, तो देना का मतलब क्या हुआ, क्रिया हुआ, देना लेना। मुंबई इज अ बिग सिटी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरीके से राइजेज मतलब उगना, तो यहाँ पर सूरज किस दिशा में निकलता है, पूरब दिशा में निकलता है, तो सूरज का भी जो काम है सूरज कर रहा है। अब देखिए, प्रत्येक वाक्य में वर्ब अत्यंत आवश्यक भाग है क्योंकि इसके बिना वाक्य अपूर्ण रहता है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब काइंड्स ऑफ द वर्ब, वर्ब के जो प्रकार हैं वो आप देखिए। सबसे पहले इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, यानी कि जो अकर्मक क्रिया होती है ये अपना भाव स्वयं पूरा कर लेती हैं, इन्हें अपना भाव पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे कमला वीप्स, द बॉयज लाफ, द बेल रैंग, द बस स्टॉप्ड, आई वॉज स्लीपिंग, दे वर स्टैंडिंग, यानी कि ये जो वर्ब होते हैं ये अपने आप में ही अपने अपने वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं, इन्हें अपना भाव स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें ही हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रही थी, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। दे वर स्टैंडिंग, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग खड़े थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अपना भाव कंप्लीट देता है, इसे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उपर्युक्त वाक्यों में दी गई क्रियाएं स्वयं पूर्ण भाव स्पष्ट करती हैं, इन्हें अपना भाव स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। द फार्मर किल्ड अ स्नेक, किल्ड मतलब मारना, मारना क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो क्रिया। द फार्मर किल्ड अ स्नेक, किसान ने सांप को मार डाला, तो मारना क्या हुआ, क्रिया हुआ। और किसको मारा, मारा तो किसको मारा, स्नेक को मारा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो स्नेक हुआ ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर दोस्तों देखिए, जो सजीव होंगे उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और जो निर्जीव होंगे उनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो किसको मारा, स्नेक को मारा। तो यहां पर देखिए सकर्मक क्रिया में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाता है क्रिया के भाव को पूरा करने के लिए। क्योंकि द फार्मर किल्ड, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता तो फार्मर ने मारा, किसको मारा ये तो पता ही नहीं रहता अगर यहां पर ए स्नेक ना लिखा होता। तो इस तरीके से जो सकर्मक क्रिया होती है
इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, यानी कि जो चिड़िया होती हैं वो अपना घोंसला खुद बनाती हैं। तो यहां पर देखिए बिल्ड मतलब बना, अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता द बर्ड्स बिल्ड तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, बर्ड्स बनाती हैं क्या बनाती हैं। तो देयर नेस्ट जब ये लिखा मिला तो ये क्या हुआ, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और ये जो नेस्ट है ये क्या है, ये निर्जीव है, तो यहां पर ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद अनिल गेव अस मैनी बुक्स, अगर सिर्फ इतना होता अनिल गेव अस, तो सिर्फ अगर सेंटेंस इतना होता तो अनिल ने हमें दिया क्या दिया, तो यहाँ जब मैनी बुक्स आया तो पता चला कि हाँ उसने क्या दिया, बुक्स दिया। तो यहाँ पर जो बुक्स हो गया वो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यू स्टॉप राइटिंग, तुमने लिखना, अब अगर सिर्फ इतना होता यू स्टॉप, तुमने बंद कर दिया, और अगर राइटिंग ना होता तो क्या बंद कर दिया, नहीं पता चलता। तो इस तरीके से जो राइटिंग हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद ही रिमेम्बर टू पोस्ट द लेटर, अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता ही रिमेम्बर्ड तो फिर क्या होता, उसने याद रखा, क्या याद रखा, टू पोस्ट द लेटर्स, लेटर्स को पोस्ट करना। तो यहाँ पर पोस्ट इस तरीके से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सकर्मक क्रिया होती है उसे अपना भाव पूरा करने के लिए या तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। आई फॉगेट योर फोन नंबर, तो फॉगेट, आई फॉगेट सिर्फ इतना दिया होता तो कैसे पता चला कि आप क्या भूले, मैं भूल गया, क्या भूल गया, योर फोन नंबर, तुम्हारा फोन नंबर। तो ये हो गया फोन नंबर, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सी साइंड ऑल लेटर्स, तो यहां पर भी अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। दे चूज हिम द मॉनिटर, उपर्युक्त वाक्यों में प्रत्येक क्रिया को अपना भाव पूरा करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यह ऑब्जेक्ट या तो कोई व्यक्ति या सजीव वस्तु होता है या कोई निर्जीव वस्तु होती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरंड या इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है, जैसे कि वाक्य 4 और 5 में आपने देखा इन्फिनिटिव या जीरंड का भी प्रयोग हो जाता है। अब सजीव व्यक्ति को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं तथा निर्जीव वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब क्रिया से किसको का प्रश्न करते हैं तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और जब क्रिया से क्या प्रश्न करते हैं तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। दोस्तों ये जो हम पूरा आपको पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम पर अगर आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च भी करोगे तो भी आपको आसानी से हमारा चैनल मिल जाएगा। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दो भी। निम्नलिखित वाक्यों में ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो काले शब्दों में छपे हैं। अभी तक आपने जो एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें केवल एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर अब आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्ट है। दे बॉट हर अ डॉल, सी गेव मी अ पेन, ही गॉट मी टू टिकट, ही गॉट मी टू टिकट, सी कॉल्ड मी अ टैक्सी, ही लेंट मी हिज अम्ब्रेला, मिस्टर जैन टीचेस मी इंग्लिश, सी सेंग अस अ सॉन्ग। तो यहां पर दोस्तों देखिए मिस्टर जैन टीचेस मी, मिस्टर जैन मुझे पढ़ाते हैं, ये तो सेंटेंस क्लियर है, लेकिन अगर यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो जाए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए दो ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ, मिस्टर जैन टीचेस मी तो हुआ ही, साथ ही साथ इंग्लिश भी यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि टीचेस मतलब पढ़ाना, पढ़ाना क्या हुआ, क्रिया हुआ, लेकिन मी और इंग्लिश इसके साथ भी आया तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। इस तरीके से यहां पर सी गेव मी अ पेन, उसने मुझे दिया क्या दिया, एक पेन दिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर आपने देखा कि दो ऑब्जेक्ट प्रयोग हुए। इन वाक्यों में हर मी अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तथा एड ऑल अ पेन द टिकट अ टैक्सी हिज अम्ब्रेला इंग्लिश अ सॉन्ग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपने जितने सेंटेंस देखे इनको आप इस तरीके से भी चाहो तो लिख सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि
दे बॉट हर अ डॉल को आप लिख सकते हो दे बॉट अ डॉल फॉर हर, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अब हम देखने वाले हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। दोस्तों यहाँ पर चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स के। लिंकिंग वर्ब जैसा कि अस्पष्ट है कि इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन होते हैं, यानी कि इनको अपना भाव कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन का आवश्यकता होती है, किसी एडजेक्टिव की, किसी एडवर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे कि मिथुन इज अ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए इज जो है ये अपना भाव तब तक नहीं पूरा कर पाएगा जब तक यहाँ पर मिथुन ना लगा हो या एक नाउन ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर दे आर गुड सिंगर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आर को अपना भाव पूरा करने के लिए दे की आवश्यकता पड़ी। इसी तरीके से सी वॉज टायर्ड, तो वॉच कब आया? जब सी आई तभी वॉच आया। तो इस तरीके से इनको अपना जो सेंटेंस है, इन वर्ब्स को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, अपनी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप देखिए सी वॉज टायर्ड, दे आर देयर, ही बिकेम हैप्पी, आई रिमेन साइलेंट, यू लुक सैड एंड ही सीम्स टू बी एन ऑनेस्ट बॉय। उपर्युक्त वाक्यों में दी गई क्रियाएं बी इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, रिमेन, लुक, सीम व अपीयर अपना भाव पूरा करने में असमर्थ हैं। इनको अपना आशय स्पष्ट करने के लिए एक पूरक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। इन वर्ब्स के बाद आए कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कहेंगे। वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उन्हें हम लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए जितने भी वाक्य आप देख रहे हो इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, रिमेन्ड, लुक, सीम्स, ये सभी क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद चौथा है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स। जब कोई वर्ब अकेले प्रयोग ना होकर किसी अन्य वर्ब के साथ प्रयोग हो तथा कोई टेंस बनाने में उसकी सहायता करे तब ऐसे वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, दे वर प्लेइंग अ मैच, आई वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, वी वर हेल्प्ड बाई हिम। यहाँ पर आप दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें वर्ब बी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैव, हैड तथा डू, डू, डज, डिड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट, टू, नीड, डेयर आदि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। यह अन्य किसी वर्ब के साथ प्रयोग होकर मॉड प्रकट करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तो फ्रेजल वर्ब। अंग्रेजी में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन एडवर्ब या एडवर्ब पार्टिकल को लगा देने पर वह भिन्न अर्थ देता है। अतः वर्ब के कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि आस्क मतलब पूछना होता है लेकिन अगर आस्क फॉर लग गया तो वो मांगना हो गया। गिव मतलब देना होता है लेकिन अगर गिव अप लग गया तो त्याग देना होता है। जैसे किसी काम को आपने गिव अप कर दिया, अब आप उसको नहीं कर सकते, आपने हार मान लिया, तो वहां पर क्या प्रयोग होगा? गिव अप। और अगर खाली गिव है तो उसका अर्थ देना होता है, लेकिन इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब बन गया। इसके अलावा गिव इन, गिव इन मतलब भी हार मानना। फाइंड, फाइंड मतलब पाना और फाइंड आउट मतलब खोजना। ब्रिंग मतलब लाना और ब्रिंगिंग अप मतलब पालन पोषण करना। जो फ्रेजल वर्ब होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आज आपने क्रिया देखा और क्रिया के प्रकार देखा। और दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवर्ब। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और वर्ब के कितने प्रकार होते हैं ये भी समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग लगातार आप लोग की इंग्लिश की क्लास ऐसे ही लेते रहेंगे और जितने भी आपके चैप्टर है इंग्लिश विषय में, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, लगातार आप लोग की क्लासेस ऐसे ही हम लेते रहेंगे और आप लोगों का इंग्लिश विषय भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों,
और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसको नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि आगे चलकर हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, क्योंकि हम लोग आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं और हमने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पेपर भी 2 से 3 क्लास और बचा, 2 क्लास और उसका भी खत्म कर देंगे हम, और लगातार आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर के हम पूरा कर देंगे। तो बस ऐसे ही सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और अपने प्यारे प्यारे अच्छे से कमेंट जरूर हमें किया करिए, ताकि हम लोग उत्साहित होकर के आप लोग लगातार ऐसे वीडियोस बनाते रहे। और दोस्तों प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर भी कर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ऐसे वीडियोस को देखते रहिए और सभी वीडियो जितना हमने बनाया है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।